हुआ यह है कि भारत और चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये आसियान फ्रेमवर्क के तहत इकट्ठे हैं इस वक्त। और मजे की बात अगर आप देखें तो 7 फ्लैश पॉइंट्स है बॉर्डर में लद्दाख के पास, जहां पे झड़पें वगैरह होती हैं, तो उनमें से 5 पे अग्रीमेंट हो गया है इंडिया और हाउ टू पेट्रोल दैट, और वहां से दोनों ने अपनी फौजी पीछे हटा लिए। तो एक तरह से दिस इज ए विक्ट्री, दिस इज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। चीन ने उस पर कोई दावा नहीं किया, कोई बड़ी अच्छा बात नहीं की, लिए ये वो मालूमात है जो इंटरनेशनल मीडिया में आ रही है। और अब अमेरिकी जो है सख्त सदमे का शिकार है। लेकिन ये दूसरी मुलाकात उनकी हौसला अफजा थी, इसमें उन दोनों ने इस चीज पे जोर दिया है कि हम इकोनॉमी को प्रेफर करें और अपनी फौजें जो हैं वो स्लो एंड प्रोसेस कर रही लेकिन हैं। सर लोग कह ये रहे कि लगता है ऐसा है कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था, जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, महीने के अंदर अंदर दूसरी मुलाकात है, और दे बोथ अग्रीड अपॉन इट। तशामुल हक साहब, इस तरह तो पाकिस्तान IMF का गुलाम बन गया है, कभी ईरान तो कभी चीन, वो तो पाबंदियां लगाते रहेगा। लेकिन है तकरीबन $30 बिलियन का उनका, हम देख रहे हैं कि चीन का कर्ज़ा है, उसमें कहा जा रहा है 18 से 20 बिलियन डॉलर या थोड़ा सा कम इससे, वो चीनी बैंकों का और दूसरी कंपनियों का है। लेकिन आज तो IMF का प्रेशर तब से कहीं ज्यादा है। आज अब हम डर गए हैं मेरे ख्याल में, ज्यादा हाँ। हमारे ज्यादा न्यूक्लियर पावर बन गए हम लोग भी डर गए, लेकिन खौफ ज्यादा आ गया खौफ मुझे। ज्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APGN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, और वह है इंडिया और चाइना को लेकर के। रिसेंटली जो खबर इंडिया और चाइना से आ रही है उसे देख सुन पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को चाइना जो हेल्प करता है या फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, उसमें न सिर्फ चाइना की इकोनॉमी की बात होती है, बल्कि उसी के साथ साथ चाइना और इंडिया के बीच में जो राइवलरी है, साफ शब्दों में कहें जो दुश्मनी है, उसका फायदा पाकिस्तान को चाइना से मिलता रहता है। तो बीते कुछ समय से अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड अप चला रहा है, खास तौर से गलवान घटना के बाद, उसमें कमी देखने को मिल रही है, और वह भी चाइना की तरफ से। उसी के तहत अभी एक महीने के अंदर, एक महीने में ही 2 बार चाइना और भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हो चुकी है, और आखिरकार चाइना जो यह दिखा रहा था कि वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन इंडिया ने भी पिछले 5 सालों में लगातार चाइना को उसी की टोन में लगातार जवाब देते आया, जिसकी वजह से अब चाइना थोड़ा नरम पड़ा है। और उसकी साफ वजह है कि दोनों ही दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं बल्कि कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हमने देखा कि बहुत ज्यादा एंगेजमेंट इस वक्त नजर आ रही है, ग्लोबल एंगेजमेंट। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, पहले लाओस में, फिर उसके बाद वो क्वाड में, जापान में, बड़ी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और इन्हीं मुलाकातों में वैंग ली से उनकी मुलाकात हुई है। उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने रिलेशंस अच्छे करे, और जरा कुछ जो पहले भी बात हुई थी कि फ्लाइट्स जो हैं वो खोलें और इस तरह की चीज चाहता है। लेकिन जो इंडिया है उसकी तरफ से जो है वो एक नजर आ रहा है कि जो उनका स्टैंड है इसके ऊपर, फिर क्या कहेंगे? इनफैक्ट आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक शो किया ये सवाल उठाकर, विल इंडिया सेव चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइना पर बहुत प्रेशर है टू एक्सपैंड टू न्यू मार्केट्स। फॉर एग्जांपल, बाइडेन ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइनीज कार्स पर। चाइना की जो नई स्ट्रैटेजी है, जो चाइना 1.0 जो था, इट वॉज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग चीप गुड्स। लेकिन चाइना जो 2.0 है, दैट इज एट द हाई टेक एंड। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग चीप गुड्स, इट इज अबाउट मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स, इट्स अबाउट सोलर सेल्स। मतलब वहां पे ऑलरेडी चाइना की जो BYD है, इट्स अ फैंटास्टिक कार। वो अगर अमेरिका में आई तो वो टेस्ला को भगा देगी। टेस्ला कांट कम्पीट विद इट, इट इज एज गुड एज टेस्ला बट वे मोर चीपर। तो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, 100% टैरिफ उस पर लगा दिया है बाइडेन ने, क्योंकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैनॉट कम्पीट विद चाइना। अब यूरोप भी वही कर रहा है, 35% लगा दिए हैं। तो अगर आप जाके देखें चाइना के एक्सपोर्ट्स टू द US एंड चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, तो पिछले 2 साल से दे आर रिड्यूसिंग, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, बट 10-12% का रिडक्शन हो रहा है। तो चाइना को ग्रो करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो चाइना इज डेस्परेट टू, उसकी ग्रोथ रेट गिर गई है 5 के नीचे।
सो इट नीड्स न्यू मार्केट. तो यूरोप और अमेरिका को अगर छोड़ दें तो और कौन सी बड़ी मार्केट है दुनिया में? इंडिया है. सो चाइना इज पुशिंग. पहले उन्होंने कहा कि भाई जैसा पाकिस्तान नहीं कहता कि क्रिकेट खेलें आप पॉलिटिक्स को साइड में रखें, तो उस तरह चाइना कहता कि बॉर्डर का मसला आप साइड में रखें, ट्रेड जरूर करें हमारे साथ, ट्रेड इज लाइक क्रिकेट फॉर चाइना. लेकिन इंडिया कह रहा कि नो, पाकिस्तान को भी वही कह रहा है कि जब तक टेररिज्म रहेगा क्रिकेट नहीं होगी. और फिर वही बात इंडिया ने चाइना से भी कहा, बॉर्डर पे अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो रिश्ता नॉर्मलाइज नहीं करेगा. लेकिन इंडिया का जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के लिए दे नीड चाइना. तो अब चाइना को वीजा देना दोबारा शुरू हो गया है. खुद प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने पब्लिकली कह दिया कि वी शुड एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना. तो बेसिकली देयर इज सम काइंड ऑफ डायलॉग गोइंग ऑन जिससे आप देखेंगे कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ेगा. सो दो बार इस महीने में मुलाकात हुई है जयशंकर की और वांग यी की, अस्थाना में 4 जुलाई को और फिर अभी लाओस में जहाँ पे आसियान के मुल्क मिल रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग उनके चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी के साथ हुई है. तो ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स अपनी मुलाकात के बाद जो रीड आउट्स और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान देते हैं, दोनों में उन्होंने कहा कि हम एक अर्जेंसी से, बड़ी तेजी से जो बॉर्डर के इश्यूज हैं उसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इमीडिएटली. तो 7 फ्लैश पॉइंट्स है बॉर्डर में लद्दाख के पास, 7 ऐसे जगह हैं जहां पे झड़पें वगैरह होती हैं. तो उनमें से 5 पे अग्रीमेंट हो गया है इंडिया और हाउ टू पेट्रोल दैट, और वहां से दोनों ने अपनी फौजी पीछे हटा लिए. तो एक तरह से दिस इज ए विक्ट्री, दिस इज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ने कई सालों से, 3-4 साल से यही कह रहे हैं 2020 से कि हम दूसरे ताल्लुकात जब तक नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक बॉर्डर इश्यू नहीं सेटल होता. दोनों कंट्रीज अगर देखा जाए, चाइना भी शरारतें तो करता है मुसलसल कि वो अपने, जिस तरह मैंने बताया था पहले भी, उन्होंने वहां पे डैम बना लिए, कई शहरों के नाम जो हैं जो भारत के पास हैं उनके वो नक्शे के ऊपर चाइनीज नाम लिख लिख के शरारतों को करते हैं मुसलसल. लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इंडिया इज राइजिंग और इंडिया की जो इम्पोर्ट इतनी ज्यादा चाइना से, अगर वो बंद होगी तो हम कहां जाएंगे. लेकिन ये दूसरी मुलाकात उनकी हौसला अफजा थी, इसमें उन दोनों ने इस चीज पे जोर दिया है कि हम इकॉनमी को प्रेफर करें और अपनी फौजें जो है वो स्लो एंड प्रोसेस करें. लेकिन सर लोग कह ये रहे हैं कि लगता है ऐसा कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे. यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, महीने के अंदर दूसरी मुलाकात है और दे बोथ अग्रीड अपॉन इट.